अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम खालिक, इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में। मैं हाल ही में यूएई से वापस आया हूँ, जहाँ पे दुबई और शारजा में मैंने पीएसएल के मैचेस कवर किए। लेकिन सच्ची बात है, मुझे वहाँ बड़ी मायूसी हुई। ओपनिंग जो सेरेमनी थी और इफ्तिताही मैच था, उस दिन तो लोग बड़ी तादाद में आए थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन ज़्यादातर मैचेस में स्टेडियम बिल्कुल खाली रहा। शारजा में एक आध मैच में लोग आए थे, लेकिन अमूमन अगर आप देखें तो स्टेडियम आपको खाली नज़र आ रहा होगा। और ये एक बड़ी मायूस कन बात होती है कि इतने अच्छे मैचेस भी हुए, दो तीन मैचों का तो आखिरी ओवर में जाके फैसला हुआ। और ऐसा आपको देखा होगा, सरफराज ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाया, जिस तरह उससे एक दिन पहले लाहौर कलंदर वाले मैच में भी इसी तरह हुआ था। तो खाली ग्राउंड में खेल के प्लेयर्स को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, और लीग के भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा अपना मुल्क में अब 8 मैचेस होने वाले हैं, नेशनल स्टेडियम में 5 मैचेस होंगे। उसके लिए तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर काम जारी था, और अब मैं आज जो यहाँ आया हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक इत्मीनान है। जो मैंने देखा, काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले जो बात हो रही थी वो छत के हवाले से हो रही थी। अभी आप देखेंगे सारी वीडियो तो आपको पता लगेगा, तकरीबन 70% जो हिस्सा है स्टेडियम का, वहाँ पे ये टेफ्लॉन जो फैब्रिक है वो लग चुकी है, जो छत है वो हो चुकी है। 30% रह गया है, वो भी इसलिए कि जो इसका मटीरियल सिंगापुर से आना है वो अभी थोड़ा उसमें ताखीर है, और अभी मुझे बताया कि आज रात तक आ जाएगा, उसके बाद 3 से 4 दिन में उसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। वैसे इनको जो टाइम मिला है वो 28 तारीख तक का टाइम मिला है कि 28 तारीख तक स्टेडियम बिल्कुल रेडी करके पीसीबी के हैंडओवर करें। और जैसे आप कभी देखेंगे कि नशिस्तें यहाँ पे काफ़ी सारी नई सीटें लगाई गई हैं, और कलर भी किया गया है जो स्टैंड्स हैं वहाँ पर, तो अच्छा एक लुक आना शुरू हो चुका है। ग्राउंड तो वैसे पहले भी ज़बरदस्त था, बड़ी ग्रीन ज़बरदस्त, यहाँ पर क्रिकेट के लिए एक अच्छा माहौल बना रहा था, नज़र आ रहा था। तो अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, तकरीबन आज से आप हिसाब लगाए तो 9 दिन रह गए हैं जब पहला मैच होगा कराची में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब पहला मैच होगा खचा खचा स्टेडियम भरा होगा। और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि किस तरह जब ये टिकट्स की फ़रोख्त शुरू हुई तो चंद घंटों में ये तमाम टिकट फरोख्त हो गए। और अब मेरे ख्याल है लोगों को शायद इतनी आसानी से टिकट दस्तियाब ना हो, तो लोगों में जोशो खरोश बहुत हद तक है, बहुत बढ़ चुका है, और इवेंट भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक रंग जमा चुका है। और पाकिस्तानी बड़ी शिद्दत से बेचैन है कि यहाँ पे मैचेस आएँ, उनसे लुत्फानंदोज़ हों। आप भी देखें, खुद देखें, खुद जायज़ा लें किस हद तक काम हो चुका है, कितना स्टेडियम ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो ये देखें आप, ये है नेशनल स्टेडियम की छत, जो टेफ्लॉन फैब्रिक इसमें लगा है, और ये जो पिछला पीएसएल का फाइनल हुआ था उस वक्त तक नहीं लगी थी ये, तो एक बिल्कुल अजीब सा लुक आ रहा था कि बग़ैर छत के जो है मैच हो रहा है स्टेडियम में। लेकिन अब अच्छा है कि ये तकरीबन, जैसे मैंने पहले बताया, 70% हिस्से में जो है ये कवर हो चुका है, छत लग चुकी है, बाकी भी जो है वो हो जाएगा। और इसमें जो ताखीर हुई, जो मेरी बात हुई मुझे पता लगा, उसकी वजह ये थी कि क्लियरेंस देर से मिली कस्टम में, तो कुछ दिन तक वहाँ पर ये फैब्रिक रुकी रही। और उसके बाद पहले जो उन्होंने आधी फैब्रिक मंगाई थी सिंगापुर से, वो शिप के ज़रिए मंगाई थी, जिसको आने में ही तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग गया। इस दफ़ा जो उन्होंने मंगवाई है बाकी, वो हवाई जहाज़ के ज़रिए मंगाई है, तो वो जल्दी मिल गई। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अभी नशिस्तें लगेंगी, ये इनक्लोजर जो है जावेद मियादाद इनक्लोजर, यहाँ पे भी नशिस्तें लगने का काम बाकी है। लेकिन साथ में आप देखें जो दूसरे इनक्लोजर हैं, यहाँ पर कई बाज़ जगह पर नई सीट लगी है, बाज़ जगह पर सीट के ऊपर कलर कराया गया है, जिसकी वजह से एक अच्छा लुक आ रहा है। ये देखें, ये स्कोर बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, उसके पीछे जो है वहाँ पर कलर किया गया है। तो अब एक जब मैच होगा तो एक अच्छा लुक आएगा। उसके साथ साथ आप ये देखें, यहाँ पर थोड़ा काम बाकी है, छत भी यहाँ पे डलनी है, और इसके अलावा पेंट भी होगा जो शायकीन के बैठने की जगह है वहाँ पर। और स्टेडियम तो आप देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त लश ग्रीन स्टेडियम, और एक अच्छा लुक आ रहा है। और आज यहाँ पर अब सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने भी इंतजाम संभाल लिए हैं, और अब तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं नेशनल स्टेडियम में। उम्मीद यही है कि 2 दिन में जो है वो बाकी जो मेन चीज़ें हैं, मेन काम वो हो जाएंगे बड़े बड़े, बाकी भी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब 9 दिन बाकी हैं मैच में। कि देखें, ये छत का जो काम बाकी है, ये इस वक्त लगे हुए लोग, नेट बिछाया जा रहा है, इसके ऊपर फिर टेफ्लॉन फैब्रिक लगेगी। किस तरह देखें आ रहे हैं ये सारे लोग, और ये स्टेडियम को वक्त मुकम्मल करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, और ये नेट पकड़ा हुआ है। देखें अभी नीचे जो है ये नशिस्तें यहाँ पे नस्ब होना बाकी है, काम चल रहा है यहाँ पे। जैसे आपने देखा बराबर वाला जो इनक्लोजर है वहाँ भी सेटिंग हो गई है, वहाँ भी इसी तरह से होगा, ये तो आपको दिखा दिया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीआईपी इनक्लोजर जो कहलाता है, 8,000 का यहाँ का टिकट होगा। यहाँ पर जो है ये नई नशिस्तें लगाई गई हैं, देखिए मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। इससे पहले आप लोग यहाँ आके बैठें, मैं इनकी ओपनिंग कर देता हूँ। ये देखिए
बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, और जिस वक्त फाइनल हो रहा होगा या दूसरे PSL के मैचेस हो रहे होंगे तो एक ज़बरदस्त व्यू आएगा यहाँ पर, मैच देखने में मज़ा आएगा, अच्छा माहौल बना होगा। तो यहाँ तो नशस्तें नस हो चुकी हैं, लेकिन बराबर में जो है वहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे येलो है, और ये देखिए ये देखें, ये मीडिया सेंटर है। जब मैं आया था कुछ अर्से पहले आपको दिखाई थी तो टूट फूट का शिकार था बिल्कुल, और मैंने ये कहा था कि बगैर छत छीन ली PCB ने मीडिया से, तो देखें PCB ने अब छत वापस कर दी है। दो बड़े ज़बरदस्त मीडिया सेंटर बनाए हैं ये, बाहर से अच्छे लग रहे हैं, अंदर से भी अच्छे होंगे यकीनन। सबसे ऊपर है ये मीडिया सेंटर। अब आप ये देखें, आपके दाएं जानिब जो पहला कमरा है वो है चेयरमैन बॉक्स। चेयरमैन साहब जो हैं वो यहाँ पे बैठ के मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, एहसान मानी साहब अपने दोस्तों के साथ। उसके आगे जो बॉक्स हैं, 5 बॉक्स, ये भी इनके गेस्ट वगैरह के लिए हैं, चेयरमैन बॉक्स ही कहलाते हैं। सबसे कोने वाला जो कमरा है लेफ्ट पे, वो स्कोरर जो है, स्कोर बोर्ड जो ऑपरेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, उन लोगों का है। अगर हम सेंटर में आएँ तो ये ड्रेसिंग रूम है दोनों तरफ। नीचे जो है वो मैच रेफरी का कमरा होगा। यहाँ पे भी देखें, अच्छा एक लुक आ गया है मेन बिल्डिंग का पेंट वगैरह होने के बाद। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी मुश्किल लग रहा था कि बर वक्त ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अच्छा है कि इन्होंने दिन रात लगाकर काफ़ी हद तक काम कर लिया। अब आपको अंदर से ज़रा दिखाते हैं कि मीडिया सेंटर कैसा बना है और ये चेयरमैन बॉक्स वगैरह कैसे। ये अभी हम लोग आ गए हैं चेयरमैन बॉक्स जो तैयार हो चुका है, इस्तेमाली मराहल का यहाँ पे काम जारी है, उसके बाद सोफ़े वगैरह लगाए जाएंगे। अब आगे चलते हैं, देखें ये तो चेयरमैन PCB का बॉक्स है, साथ में भी चेयरमैन बॉक्स ही हैं जहाँ पर इनके VIP गेस्ट वगैरह जो होंगे वो बैठेंगे। नई सीट्स लगी हैं यहाँ पर। बेस्ट व्यू वैसे मैच देखने का यहीं से है, लेकिन कुछ खुश नसीब ही यहाँ बैठ सकते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं। ये पूरा चेयरमैन बॉक्स है, देखें जो आला हुकूमती शख्सियात और दीगर बड़ी जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठ के मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अब ऊपर चलते हैं, ज़रा मीडिया बॉक्स भी देखें। हमारा तो डायरेक्ट ताल्लुक वहीं से है, तो हमें ज़्यादा इश्तियाक यही है कि देखें मीडिया बॉक्स कैसा है। ये मीडिया सेंटर है, 2 मीडिया सेंटर है नेशनल स्टेडियम में, ये पहला है। और यहाँ पर देखें अभी डेस्क वगैरह लगाई जा रही है, पेंट वेंट तो हो चुका है, AC भी लग चुके हैं, डेस्क लग गई है, उसमें मेरे ख्याल में फिनिशिंग का काम बाकी है, उसके बाद सफाई वगैरह होगी तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया है, और मैं तो बड़े अरसे से नेशनल स्टेडियम में मैच कवर करते आया हूँ। मुझे पता है पहले यहाँ पर PTCL वाले बैठा करते थे, जब हम लोगों को फैक्स करवाना होता था, कॉल मिलवानी होती। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया बना दिया गया, जो मैच के बाद कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी या मैन ऑफ द मैच वगैरह की, वो यहाँ हुआ करेगी। ये है प्रेस बॉक्स दूसरा वाला, और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। डेस्क जो है वो लगना बाकी है, मुकम्मल इनका काम होना बाकी है, थोड़ा बहुत तो हुआ हुआ है। AC वगैरह लग चुके हैं, थोड़ा फिनिशिंग का काम है, फिर सफाई वगैरह होगी तो अच्छा लुक आ जाएगा। यहाँ से भी वैसे मैच का अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। मीडिया में आने का यही फ़ायदा है कि मुफ्त में बैठ के आप बेहतरीन जगह पर मैच देखते हैं। ये ड्रेसिंग रूम है, विजिटिंग टीम का ड्रेसिंग रूम है। आए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तैयार हो चुका था ये, अब जाहिर है यहाँ थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं सफाई सुथराई इस तरह का काम होना है। जो भी टीम होगी यहाँ पे, ज़ाहिर अगर कराची किंग्स फाइनल खेलेगी जिसका इम्कान कम है, तो ज़ाहिर है वो दूसरा ड्रेसिंग रूम में बैठेगी, और जो हरीफ टीम होगी वो यहाँ होगी। ये लॉकर्स वगैरह हैं प्लेयर्स के, जब आपको आएंगे प्लेयर्स यहाँ पर, किट वगैरह उनकी यहाँ रखी जाएगी, यहाँ बैठ के तैयार होंगे। हमने कहा आज आपको पूरा अच्छी तरह दिखाएं स्टेडियम, कहाँ पे प्लेयर्स बैठते हैं, क्या क्या तैयारियाँ, क्या क्या काम चल रहा है, किस तरह से सब कुछ होता है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान जुबैरी साहब, ये रेजिडेंट इंजीनियर हैं, पहले भी हमने इनसे बात की थी जब नेशनल स्टेडियम के काम का हम लोग जायज़ा लेने आए थे। अब काफ़ी हद तक काम मुझे मुकम्मल लग रहा है, इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आज तो खुश नज़र आ रहे हैं आप, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हद तक काम लग रहा है मुकम्मल हो चुका है। ये तो खुशी की बात है, जब एक टास्क अपना हम अचीव कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, और माशाल्लाह हम लोगों ने काफ़ी काम अपना यानी कि एंड पे आ गए। छत में देख रहा हूँ कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है, तो इसमें अब कितना टाइम लगेगा? 2 दिन आपके पास मेरा ख्याल है डेडलाइन के लिए। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि टेफ्लॉन एक्सपेक्टेशन आज रात तक की है, और ये आपने बता दूँ जो पिछला आया था कंसाइनमेंट वो भी हमने 2 से 3 दिन में मुकम्मल कर दिया था, तो ये भी ऐसे ही इंशाल्लाह उसको हो जाएगा। इसके अलावा और क्या ऐसा काम है जो अभी बाकी है? जैसे ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बड़ा काम क्या ऐसा रहता है जो आपको लगता है कि? बड़ा काम तो कुछ भी नहीं है, अब ज़्यादातर जो काम है आपका यही छोटा मोटा है, पेवर्स वगैरह लग रहे हैं, फ्रंट को थोड़ा ब्यूटीफाई किया जा रहा है, कहीं पेंट वर्क है,
इस टाइप की चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो बॉक्सेस वगैरह थे सारे तैयार हो चुके हैं? जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इनके तो एसी तक जो है ना रेडी हो चुके हैं। अच्छा। मतलब पूरा सिस्टम अपनी यानी कि एक्टिव है। ड्रेसिंग रूम वगैरह तो पहले ही बन चुके बिल्कुल पहले ही बन चुके थे, मगर एक उसमें भी कुछ उन्होंने हमने चीज़ें चेंज की थी, कुछ था ड्रेसिंग रूम में कुछ जो पिछली दफ़े हम काम नहीं कर पाए थे, तो उस दफ़े उनको पूरा मुकम्मल करके उनको फाइनल किया। और बाकी जो कुर्सियाँ वगैरह लगने का काम है, इसका आपसे ताल्लुक है या? इससे हमारा ताल्लुक सिर्फ वहाँ तक है कि हम इनको प्लेटफॉर्म बना के दे दें जिसपे हम यानी कि जो स्टेप्स की आप कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन थी वो हमने कर दी है, बाकी चेयर्स हैं पीसीबी अपनी खुद लगा रही है। अच्छा। बाहर में आते हुए देख रहा था कोई मलबा वगैरह जमा है और बाहर से इतना अच्छा तासुर नहीं लग रहा था, वो क्या है? बाहर की तरफ ऐसा है कि वो भी अब एंड पे ही है, जाहिर है जब बिल्डिंग वर्क्स कर रहे थे तो उस हिसाब से अगर आप उसी की बात कर रहे होंगे जो पूरा एक चौकड़ा लगा हुआ था फॉर्म वर्क का, वो हम उतारा है हमने इसी वजह से कि अब काम अब एंड हो चुका है, तो ये है कि टाइम टू टाइम एक दो दिन का काम है उसको वो मुकम्मल कर देंगे, फिर वो भी जो पोर्शन बुरा लग रहा है ना वो भी साफ़ हो जाएगा। कुछ पेवर्स रह गए हैं जो पार्किंग के एरिया तक लगने हैं, वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में हो जाएंगे मुकम्मल हो जाएंगे। जब PSL के मैचेस ख़त्म हो जाएंगे फाइनल हो जाएगा उसके बाद भी कुछ काम आपका बाकी होगा या पूरा परसों तक मुकम्मल कर देंगे? नहीं नहीं, उसके बाद भी कुछ काम रह जाएगा, वो अलग काम है, वो फ़िलहाल उसको हमने होल्ड किया हुआ था इसी वजह से कि ज़ाहिर है एम्फसाइज़ किया हुआ था कि हम बिल्डिंग को करें छत को करें ये हमारे मेन थे, और एक नेटवर्क्स वगैरह का जो है ना जो पुराना था सेवरेज वगैरह को इसको करें, ये हमने अब मुकम्मल कर लिए हैं। इसके अलावा हैं काम छोटे छोटे हैं मगर एक है वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। चले इमरान साहब गुड लक, अल्लाह करे दो दिन में पूरा स्टेडियम का जो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।